डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर कविता ब्राह्मणकर, सीओ डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर, एंड आई वेलकम्स यू टू द ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑफ सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग इन सी एंड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. टूडेज टॉपिक इज टॉपिक नंबर 4.6. इट इज सेकेंड पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर टॉपिक. ओके, सो वी विल सी स्ट्रक्चर Part 2 today. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to access data members of a structure, assign values to structure members, and develop a program using structure. Course outcome, that is going to map each CO4, develop C programs using arrays and structure. Then program outcomes that are going to map are PO1, PO4, PO6 and PO7. Prerequisite to this topic is you should know the control structure of C language as well as all the data types of C language, and you should know how to create structure and how to define variables of a structure. So in last video we have seen लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि स्ट्रक्चर को किस तरह से क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है. सो अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर के जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनको वैल्यूज से कैसे इनिशियलाइज करेंगे या फिर उनकी जो वैल्यू है वो कैसे एक्सेस करेंगे. सो टुडे वी विल सी हाउ टू एक्सेस डेटा मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर. सो स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स एक्सेस करने के लिए सबसे पहले एक हम स्ट्रक्चर लेंगे. सो स्टूडेंट डेटा नाम का हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमने लास्ट वीडियो में यही स्टूडेंट डेटा नाम का स्ट्रक्चर यूज किया था. सो स्ट्रक्ट स्टूडेंट डेटा, कैरेक्टर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, इंटीजर स्टूडेंट एज एंड स्टूडेंट, ये हमारा स्ट्रक्चर का वेरिएबल है. अब एक्सेस कैसे करेंगे, ये जो तीन डेटा मेंबर्स है हमारे पास स्ट्रक्चर के, इनको एक्सेस कैसे करेंगे या फिर उनकी वैल्यूज जो है वो किस तरह से इनिशियलाइज करेंगे. सो उसके लिए सिंटैक्स है वेरिएबल का नाम डॉट मेंबर वन. मेंबर वन मीन्स हमारे ये तीनों जो भी मेंबर्स है वो. सो वेरिएबल का नाम डॉट ऑपरेटर एंड नेम ऑफ द मेंबर. देन फिर से वेरिएबल दूसरे मेंबर के लिए फिर से सेम प्रोसेस, वेरिएबल नेम और मेंबर टू. तो जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स है, यहाँ पे हमारे तीन वेरिएबल्स है, सो यहाँ पे हम तीन ये स्टेटमेंट्स लिखेंगे टू एक्सेस डेटा मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं इसी स्ट्रक्चर का हम, तो इस तरह से नेम ऑफ द वेरिएबल इज स्टूडेंट. सो वेरिएबल नेम इज स्टूडेंट. सो स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम. अब हमारा मेंबर कौन सा है, पहला मेंबर है स्टूडेंट नेम. सो वेरिएबल नेम स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम इक्वल टू जो भी हमको देना है वो हम देंगे. अब हमारे पास नेम जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स. हमने यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप लिखा है, लेकिन हमारा नेम जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, इसीलिए हमको वो डबल कोट में लिखना जरूरी है. अगर ये अल्फाबेट होता, सिंगल ए बी सी इस तरह से होता, तो हम सिंगल कोट्स में लिखते थे उसको, लेकिन ये नाम है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, इसीलिए हम उसको डबल कोट्स में लिखेंगे. देन सेमी कोलन. ये हो गया हमारा फर्स्ट मेंबर. सेकेंड मेंबर, फिर से सेम प्रोसेस, वेरिएबल का नाम डॉट मेंबर का नाम. तो सेकेंड मेंबर है हमारा स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू जो भी हमको वैल्यू असाइन करनी है वो. देन थर्ड वेरिएबल है एज. सो यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट डॉट हमारा मेंबर का नाम स्टूडेंट एज इक्वल्स टू 30. तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी वैल्यूज असाइन कर सकते और वेरिएबल का जो डेटा है इस तरह से हम एक्सेस कर सकते. सो यही हमने देखा है अभी कि डॉट ऑपरेटर का यूज करके हम जो वैल्यूज है हमारे स्ट्रक्चर मेंबर्स के उनको एक्सेस कर सकते हैं या फिर उनको किसी वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज कर सकते हैं. देन हाउ टू असाइन वैल्यूज टू स्ट्रक्चर मेंबर्स. अभी हमने देखा कि
किस तरह से वैल्यूज को असाइन करेंगे, दिस इज नथिंग बट इनिशियलाइजेशन ऑफ वैल्यूज टू डेटा मेंबर्स. ओके, इनिशियलाइजेशन ऑफ वैल्यूज टू डेटा मेंबर्स. सो ये हमारे पास दो तरीके हैं, देयर आर टू वेज टू असाइन वैल्यूज टू स्ट्रक्चर मेंबर्स. सो पहला तरीका हमने ऑलरेडी देखा है यूजिंग डॉट ऑपरेटर. सो वेरिएबल का नाम डॉट मेंबर का नाम इक्वल्स टू वैल्यू, जो भी वैल्यू असाइन करनी है वो वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे. ओके, सो दिस इज द सिंटैक्स बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर. फॉर एग्जाम्पल हमारे स्ट्रक्चर का वेरिएबल का नाम है स्टूडेंट, डॉट मेंबर का नाम है स्टूडेंट नेम, और ये है उसकी वैल्यू. स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम और 1 2 3 4, ये है उसकी वैल्यू. तो इस तरह से डॉट ऑपरेटर का यूज करके हम वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, ये है फर्स्ट वे. और हमारे पास दूसरा वे है ऑल मेंबर्स असाइंड इन वन स्टेटमेंट. तो जो भी हमारे जितने भी मेंबर्स है उनको एक ही लाइन में वैल्यूज असाइन करेंगे. ओके, हम जैसे हमने वन बाय वन, यहाँ पे हमारे पास तीन मेंबर्स है तो तीनों के लिए हमने वन बाय वन तीन स्टेटमेंट के साथ ये वैल्यूज असाइन किए. लेकिन दूसरा जो हमारे पास तरीका है उसमें हम एक ही लाइन में कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम एक ही लाइन में तीनों मेंबर्स के लिए जो है वैल्यू असाइन करेंगे. तो उसके लिए सिंटैक्स है स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का नाम, देन वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू कर्ली ब्रेस, देन वैल्यू ऑफ मेंबर वन, वैल्यू फॉर मेंबर टू, वैल्यू फॉर मेंबर थ्री एंड सो ऑन. तो जितने भी हमारे डेटा मेंबर्स हैं हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, तो उनके वैल्यूज यहाँ पे हम असाइन कर सकते हैं. सो नाउ एक एग्जांपल देखेंगे. स्ट्रक्ट पॉइंट, तो हमारे स्ट्रक्चर का नाम है यहाँ पे पॉइंट. स्ट्रक्चर के अंदर हमने दो इंटीजर वेरिएबल्स लिए हैं, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई. देन यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट नहीं किया है. तो एक तो हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल इधर ही क्रिएट करेंगे या फिर मेन प्रोग्राम में भी हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं. तो अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं तो उसमें हमने स्ट्रक्चर का वेरिएबल स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद जस्ट इमिडिएटली हमने क्रिएट किया है स्ट्रक्चर का वेरिएबल. लेकिन हमारे पास सेकेंड तरीका भी अवेलेबल है कि हम मेन प्रोग्राम में भी स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर का वेरिएबल नहीं क्रिएट किया है. हम मेन फंक्शन में जाएंगे, देन मेन फंक्शन को ओपन करेंगे और यहाँ पे स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करेंगे. तो स्ट्रक्ट कीवर्ड, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर का वेरिएबल. अब यहाँ पे p1 इज द वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर. देन यहाँ पे सेम हमने फॉलो किया है स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का नाम, देन वेरिएबल का नाम. ओके, इक्वल टू, अब हमारे पास कितने वेरिएबल्स है स्ट्रक्चर के, दो. तो हमारा कंपाइलर कंसिडर कर लेगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी वैल्यू है वो पहली वैल्यू जाएगी ये पहले वेरिएबल को, दूसरी वैल्यू जाएगी दूसरे वेरिएबल को. ये कंपाइलर हमारा बाय डिफॉल्ट ये वैल्यूज जो है इनको इनिशियलाइज कर देगा. ओके, सो हमेशा पहली वैल्यू जाएगी पहले वेरिएबल को, दूसरी वैल्यू जाएगी दूसरे वेरिएबल को. अगर हमारे पास ज्यादा वैल्यूज है तो जैसे ही जो भी ऑर्डर हम यहाँ पे क्रिएट स्ट्रक्चर को क्रिएट करते टाइम फॉलो करते हैं उसी ऑर्डर से ये जो वैल्यूज है वो असाइन वेरिएबल्स को होते जाएंगे. सो देयर आर टू वेज टू असाइन वैल्यूज टू स्ट्रक्चर मेंबर्स. नाउ सिंपल प्रोग्राम फॉर स्ट्रक्चर, एक प्रोग्राम देखेंगे सिंपल सा. सो हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमको प्रोग्राम में लिखना जरूरी है क्योंकि इनके अंदर स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट जो फंक्शन से हमारे प्रिंटएफ और स्कैनएफ इनका डेफिनेशन दिया हुआ है. तो स्ट्रक्चर सबसे पहले हमारा काम होता है कि मेन प्रोग्राम के ऊपर हम स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं. तो स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्टूडेंट डेटा, दिस इज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स अब डिक्लेयर करेंगे. सो कैरेक्टर स्टूडेंट नेम, इंटीजर स्टूडेंट आईडी, इंटीजर स्टूडेंट एज, ये हमारे तीन स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स है. देन स्ट्रक्चर को एंड कर देंगे बाय सेमीकोलन. यहाँ पे हमने अभी स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट नहीं किया है. ओके, तो उसको हम मेन फंक्शन के अंदर क्रिएट करेंगे. देन स्ट्रक्चर को एक बार हमने क्रिएट कर लिया, देन मेन फंक्शन को हम डेफिनेशन देंगे मेन फंक्शन का. सो मेन फंक्शन जो है हमारा वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला है.
तो अगर हमारा मेन फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो लास्ट में प्रोग्राम के हमको रिटर्न जीरो लिखना जरूरी है. ओके, देन मेन फंक्शन के अंदर जाएंगे. देन अब वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करेंगे हमारे स्ट्रक्चर का. तो स्ट्रक्ट कीवर्ड, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर स्टूडेंट डेटा, एंड स्टूडेंट इज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर. तो स्टूडेंट ये हमारे स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, हमने उसको यहाँ पे क्रिएट किया है. अब वैल्यूज असाइन करेंगे बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर. तो उसके लिए सिंटैक्स है वेरिएबल नेम, यहाँ पे वेरिएबल नेम है स्टूडेंट डॉट. अब मेंबर का नाम, तो पहले मेंबर का नाम है हमारे स्टूडेंट नेम, एसटीयू नेम, तो डॉट एसटीयू नेम इक्वल्स टू, तो स्टीव ये वैल्यू हमने असाइन कर दी है स्टूडेंट नेम को. देन स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी, 1 2 3 4 आईडी हमने असाइन की है. स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट एज 30, तो 30 वैल्यू हमने स्टूडेंट एज को असाइन की है. इस तरह से हमने तीनों भी वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन की है या इनिशियलाइज किए हैं. देन अब उसको हमको प्रिंट करना, ये जो वैल्यूज असाइन किए हैं उनको प्रिंट करना है. तो प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटएफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे. डबल कोट्स में हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे. तो स्टूडेंट नेम इज परसेंट एस, परसेंट एस किस लिए, क्योंकि हमने इसको डबल कोट्स में लिखा है. डबल कोट्स में लिखा है इसलिए स्ट्रिंग कंसिडर हुआ है, और स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए हम परसेंट एस यूज करते हैं, इसीलिए परसेंट एस. परसेंट एस किस लिए यूज किया है हमने, स्टूडेंट के नेम को प्रिंट करने के लिए. इसलिए स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम स्ट्रक्चर का वेरिएबल डॉट डेटा मेंबर. तो इस तरह से स्टूडेंट नेम इज स्टीव ये प्रिंट हो जाएगा. देन हमको अभी स्टूडेंट का आईडी प्रिंट करना है. यहाँ पे स्लैश एन दिया है, मीन्स ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होने वाला है स्टूडेंट आईडी. स्टूडेंट आईडी इज, अब ये इंटीजर लिया है हमने स्टूडेंट आईडी, इसलिए उसको प्रिंट करने के लिए हमने लिखा है परसेंट डी, और स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी मीन्स वेरिएबल का नाम डॉट मेंबर का नाम. देन अब हमको एज प्रिंट करना है, फिर से प्रिंट एफ स्टेटमेंट, स्लैश एन लिखा है मीन्स नेक्स्ट लाइन में एज प्रिंट होने वाली है. स्टूडेंट एज इज, फिर से एज जो है हमारा इंटीजर में है इसलिए परसेंट डी, और वेरिएबल का नाम डॉट स्टूडेंट एज मीन्स स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट एज. तो इस तरह से हमने तीनों प्रिंट किए. यहाँ पे इंटीजर लिखा है मेन फंक्शन के सामने, इसलिए रिटर्न जीरो लिखना जरूरी है. अब आउटपुट, आउटपुट किस तरह से आएगा, स्टूडेंट नेम इज, क्या इनिशियलाइज किया था परसेंट एस, किस लिए, स्टूडेंट नेम के लिए. स्टूडेंट नेम किस से इनिशियलाइज किया है, स्टीव से. सो स्टूडेंट नेम इज स्टीव. देन न्यू लाइन, नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट आईडी इज, स्टूडेंट आईडी इज परसेंट डी, किस लिए है, स्टूडेंट आईडी. स्टूडेंट आईडी में हमने क्या स्टोर किया है, 1 2 3 4. स्टूडेंट आईडी इज 1 2 3 4. देन फिर से स्लैश एन मींस नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट एज इज, किस में स्टोर है स्टूडेंट एज, स्टूडेंट एज में. स्टूडेंट एज में अब कौन सी वैल्यू स्टोर है, 30. सो स्टूडेंट एज इज 30. ये इस तरह से हमको आउटपुट मिला है. सो दिस इज द वे यू कैन क्रिएट स्ट्रक्चर. यू कैन क्रिएट वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर. यू कैन असाइन वैल्यूज टू मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर. यू कैन प्रिंट द वैल्यूज ऑफ मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर. ओके, सो दिस इज सिंपल प्रोग्राम फॉर स्ट्रक्चर. सो लेट अस समराइज टुडेज लेक्चर. टुडे वी हैव स्टडीज हाउ टू एक्सेस डेटा मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर. हाउ टू असाइन वैल्यूज टू अ स्ट्रक्चर, देर आर टू वेज, बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर एंड एक ही लाइन में हम पूरे मेंबर्स को लिख देंगे, पूरे मेंबर्स की वैल्यू जो है वो लिख देंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर. एंड वी हैव डेवलप अ सिंपल प्रोग्राम बाय यूजिंग स्ट्रक्चर. डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो. कीप लर्निंग, एंजॉय लर्निंग. थैंक यू सो मच.